उत्पत्ति अध्याय 50, उत्पत्ति अध्याय 50। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इसराइल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिए और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जितनी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं, और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ कि मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं मरने पर हूं मुझे यह शपथ दिलाई कि जो कब्र तूने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं तुझे मिट्टी दूंगा, इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट जाऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे। सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला, और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले, और यूसुफ के घर के सब लोग, उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए। सो भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे आदात के खलिहान तक जो यर्दन नदी के पार है पहुंचे तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। आदात के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा, इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रेम पड़ा, और यह यर्दन के पार है, और इस्राएल के पुत्रों ने उससे वही काम किया जिसकी उसने उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निमित्त मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे मिस्र में लौट आया। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उसके की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई तो की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उसकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूं। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी, और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा, और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा, और यूसुफ एप्रेम के परपोतों तक देखने पाया, और मनुष्य के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए, और
यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भर गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई।